दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय जोगटा अकेडमी चंडीगढ़। रेहड़ी फड़ी वर्कर्स यूनियन जिला इकाई मंडी द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर एडीएम अश्विनी कुमार के माध्यम से जिला उपायुक्त को ज्ञापन भेजा। इस दौरान रेहड़ी फड़ी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार ने कहा कि रेहड़ी फड़ी यूनियन की कोरोना काल की तहबाजारी का मासिक किराया माफ किया जाए और नगर निगम मंडी द्वारा आजीविका मिशन के तहत सभी रेहड़ी फड़ी वालों को ऋण लेने के लिए बाध्य न किया जाए, रोके गए प्रमाण पत्र को जल्द जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और नगर निगम जल्द ही उनकी मांगों को नहीं मानते हैं तो आने वाली 7 तारीख को रेहड़ी फड़ी यूनियन जिला कार्यालय के बाहर उग्र आंदोलन करेगी। मैं सुरेंद्र कुमार, रेहड़ी फड़ी यूनियन जिला का अध्यक्ष। आज हमने डीसी महोदय को एक मांग पत्र दिया जिसमें हमारी जो एक 3 सूत्रीय मांग पत्र दिया जिसमें हमारी मुख्य मांग है कि जो कोविड के समय में जो रेहड़ी हमारे नहीं इस शहर के अंदर लग पाई है उसका जो हमने 1 साल का जो किराया की जो माफ़ करने के लिए हमने पहले भी एक मांग पत्र दिया लेकिन सरकार और प्रशासन ने उसके ऊपर कोई गौर नहीं किया है। और दूसरी मांग है हमारी जो हमारे यहाँ पे जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत जिन लोगों को 10,000 रुपये का लोन दिया जा रहा है वो एक शर्त पे दिया जा रहा है कि पहले अपना जो लोन ले ताकि आपका जो लाइसेंस है उसको रिन्यूल किया जाएगा। और तीसरी मांग हमारी है कि जो संडे मार्केट है जो इस शहर के अंदर होनी चाहिए लेकिन वो कहीं भी इस तरह की संडे मार्केट शहर में नहीं लगाई जा रही है ताकि हमारा जो लाइसेंस होल्डर वेंडर है शहर के अंदर जो संडे मार्केट लगेगी जो हमारी जीविका कुछ प्रभावित हुई है उसको सुधारने के लिए हम चाहते हैं कि इस इंदिरा मार्केट के छत पर बिठाया जाए ताकि हम अपनी जो हमारी बिगड़ी स्थिति उसको सुधार सकें। और जो संडे मार्केट है हर जगह चाहे वो मंडी का एरिया हो चाहे कोई और जगह उस पर संडे मार्केट का प्रावधान है। और तीसरी चौथी बात यह है कि अगर हमारी इन मुख्य बातों को नहीं मानेंगे तो हम 7 जून को एक बहुत बड़ा धरना जो है डीसी कार्यालय के बाहर दे रहे हैं जिसकी जिम्मेवारी प्रशासन और नगर निगम की होगी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट। लोकतंत्र के पक्षधर, अपराध रहित और देश प्रेम से प्रेरित नागरिक जन एकता पार्टी की हिमाचल प्रदेश राज्य कार्यकारिणी, जिला व खंड स्तरीय कार्यकारिणी और विधानसभा चुनावों में उम्मीदवार बनने के लिए फेसबुक आईडी anilukd7@gmail.com और janektaparty.com या मोबाइल नंबर 7650894955 पर संपर्क करें। राजनीतिक रुचि व योग्यता रखने वाली युवा पीढ़ी विशेष आमंत्रित है।